आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हाउ टू इम्प्रूव योर ग्रामर। आप अपने ग्रामर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए ग्रामर जरूरी है? क्या बोलचाल की भाषा में हम इंग्लिश ग्रामर को इग्नोर कर सकते हैं? तो इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा मैं आज की इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या इंग्लिश के लिए ग्रामर जरूरी है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो मॉडर्न अप्रोच है इंग्लिश लर्निंग का वह स्ट्रक्चरल अप्रोच है। स्ट्रक्चर के आधार पर हम लैंग्वेज को सीखते हैं, इंग्लिश को। और ग्रामर केवल इंग्लिश के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक भाषा को सीखने के लिए ग्रामर बहुत ही ज़रूरी है, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। जैसे मैथ्स में फार्मूला ज़रूरी होता है, वैसे ही ग्रामर ज़रूरी होता है किसी भाषा के लिए। तो आपको मालूम है कि चार लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना। तो जैसे लैंग्वेज है उसको हम वास्तव में सीखते हैं। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तब वह बोलने की क्षमता लेकर तो पैदा होता है, लेकिन जो भाषा हो भाषा को वह सीखता है। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं वैसे भाषा को भी सीखते हैं। और जब शुरुआती दौर में हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमसे गलतियाँ होती हैं, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, वैसे ही जब हम इंग्लिश सीखना चालू करते हैं तो बार बार हम मिस्टेक्स करते हैं, है ना, गलतियाँ करते हैं। तो शुरुआत में जब आप इंग्लिश सीखना चालू करते हैं तब आप बार बार गलती करेंगे, आपको गलतियों से डरना भी नहीं है, है ना। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है आपको कि शुरू से ही मैं बिल्कुल सही इंग्लिश बोलूँगा, आई विल बी परफेक्ट, आई विल लर्न एवरीथिंग, ऐसा नहीं करना है आपको। अब आप ग्रामर कैसे इम्प्रूव करें? तो ग्रामर इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है जो प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उनके जो इंग्लिश ग्रामर की जो किताबें होती हैं उनको आप पढ़ना शुरू करिए। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे सेंटेंस क्या है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशंस, इन सब चीज़ों को सीखें। फिर टेंस को सीखें, टेंस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टेंस सीख गए मतलब आपने आधी यात्रा तय कर ली। फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। तो आप प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों से सीखने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी जो किताबें होती हैं बहुत ही सरल भाषा में लिखी होती हैं, तो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों की किताबों को। तो उसको पढ़ें, उसके बाद आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करेंगे, ग्रामर को कैसे इम्प्रूव करेंगे, इसके लिए आप जो रिनोन्ड राइटर्स हैं, जो फेमस राइटर्स हैं, जो बहुत ही स्थापित लेखक हैं इंग्लिश के, उनकी छोटी छोटी कहानियों को पढ़ें। जो कॉमिक्स होती है बच्चों की, कॉमिक्स को पढ़ें, आपको इंटरेस्ट पैदा होगा उसको पढ़ने में। मतलब जिस भी चीज़ को पढ़ने में आपकी रुचि होती है उसको आप बार बार पढ़ें। तो जो किताबों में जो भाषा होती है वह ग्रामेटिकली शुद्ध होती है प्राय। स्पोकन इंग्लिश में कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो किताबों की जो भाषा होती है वह ग्रामेटिकली परफेक्ट होती है, तब उसको पढ़ना है आपको। और अच्छी भाषा पढ़नी है अगर आपको ग्रामेटिकली बिल्कुल परफेक्ट, तब आप जो बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया के, मतलब इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर हैं उसका आप एडिटोरियल जरूर पढ़िए, संपादकीय। जो भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हितवाद है, और जो भी अच्छे जो पेपर्स हैं जो आपके अप्रोच में हैं, जो आपके शहर में मिलते हैं, तब आप उनके एडिटोरियल को जरूर पढ़ें। तो संपादकीय जब आप पढ़ेंगे तब वहाँ पाएंगे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के उपयोग बहुत अच्छे से किए जाते हैं वहाँ पर, और उनकी जो भाषा होती है ग्रामेटिकली परफेक्ट होती है, क्योंकि जो एडिटोरियल जो लिखते हैं वो लोग बहुत ही जीनियस होते हैं, लैंग्वेज के फील्ड के जाने माने लोग होते हैं जो किसी भी भाषा में एडिटोरियल लिखते हैं। तो उसको आप ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आप अधिक से अधिक प्रयोग करें। जैसे मैथ्स है, मैथ्स को आप बार बार सॉल्व करते हैं, जो आपके पास फार्मूला है उसमें बार बार आप फार्मूला का प्रयोग करते हैं, मैथ्स को बार बार अभ्यास करते हैं, वैसे ही आप इंग्लिश का बार बार अभ्यास करें। इट मीन्स
योर सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकली परफेक्ट, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, टेंस के, वॉयस के, नरेशन के, या फिर प्रेपोजिशंस, कहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशंस यूज करना है, तो इनका आप बार बार अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे आप पाएंगे यू हैव लर्न एवरीथिंग। फिर बाद में आपको दिमाग में, एक बार जब आप भाषा सीख जाते हैं तब आपको बार बार ग्रामर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप कार चलाना सीखते हैं, शुरू में आपको पता नहीं होता कहाँ पर क्लच है, कहाँ पर ब्रेक है, कहाँ पर एक्सेलरेटर है, कहाँ पर आपका गियर है, तो बार बार देखते हैं, हबड़ाते हैं। और आपने देखा होगा जब नया कोई व्यक्ति कार चलाना सीखता है तो कार में जब बैठे रहते हैं ना, बाकी लोग उनको बात करने नहीं देता कि मुझे डिस्टर्ब होता है, कहीं कुछ गड़बड़ी मत हो जाए। लेकिन बाद में वो इतना हैबिचुअल हो जाते हैं लोग कार चलाते हुए कि फिर सारे काम करते रहते हैं। तो वैसे ही है, तो लैंग्वेज कोई कठिन चीज़ नहीं है। और एक बात और बताऊँगा, मतलब आपको अधिक से अधिक अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक आखिरी बात जो बताऊंगा आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करना है, वह है रेडियो में न्यूज़ सुनना। खासकर जो ऑल इंडिया रेडियो है, आकाशवाणी है, उसका आप न्यूज़ सुनिए अंग्रेजी में। और जो टीवी प्रोग्राम्स हैं या टीवी न्यूज़ हैं इंग्लिश के, उसको आप ज़रूर देखें। खासकर न्यूज़ में बहुत ही इंग्लिश जो न्यूज़ है, खासकर जो गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं उसमें, तो दूरदर्शन वगैरह, उसमें बहुत ही स्तरीय भाषा का प्रयोग होता है। तो आप ऐसे चैनल्स देखें, बार बार देखें, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ। तो इस तरह बस मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि आप अपने ग्रामर को और अपने लैंग्वेज स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मैंने ग्रामर के बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, और लैंग्वेज के फील्ड में जो टेक्निकल डेवलपमेंट्स हैं बहुत सारे, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर आकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।